गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज की हिंदी क्लास में हम नए व्यंजन अंग से परिचित होंगे और उसका लिखित अभ्यास भी करेंगे और पुराने व्यंजन क से घ तक का दोहरान भी करेंगे। व्यंजनों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो हमारा सबसे पहला जो वर्ग हमने कर लिया है वो है क वर्ग। क वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, ये 4 हमने कर लिए हैं। और आज का नया व्यंजन है अंग, लेकिन उससे पहले लेट्स रिवाइज ओल्ड व्यंजन। ओके, ये क वर्ग का पहला व्यंजन है व्यंजन क। क से कबूतर, क से कमल, क से कलश और क से कसरत। ये है क वर्ग का दूसरा व्यंजन, व्यंजन ख। ख से खरगोश, ख से खाट, ख से खटमल और ख से खजाना। ये है क वर्ग का तीसरा व्यंजन, व्यंजन ग। ग से गमला, ग से गज, ग से गरम और ग से गगन। ये है क वर्ग का चौथा व्यंजन, व्यंजन घ। घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ा और घ से घोड़ा। और आज का हमारा नया व्यंजन है व्यंजन ङ। इसकी कोई पिक्चर नहीं होती है, इसको अक्षर के ऊपर अनुस्वार यानी जो हम डॉट लगाते हैं उसकी तरह यूज किया जाता है, जैसे गंगा, रंग, पतंग, जंगल। ये कुछ एग्जाम्पल मैम ने दिए हैं, उसके ऊपर जो डॉट लगा हुआ है, जो बिंदी लगी हुई है, उसके रूप में अंग का यूज होता है। अब हम क व के व्यंजनों की वर्कशीट के माध्यम से और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहली वर्कशीट है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। ये किसकी पिक्चर है, किसका चित्र है, कबूतर का। तो क से कबूतर हम यहाँ लिखेंगे क। और ये पिक्चर है खरगोश की, तो ख से खरगोश। ये है ग से गमला, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ग। और ये है घ से घर, तो हम यहाँ लिखेंगे घर। इस वर्कशीट में हमें पिक्चर्स को देख के उसके व्यंजन से उसका मिलान करना है। ये सबसे ऊपर किसकी पिक्चर बनी हुई है, हाथी की। हाथी को हम गज भी बोलते हैं, ग से गज। तो ग कहाँ है, ये रहा दूसरे नंबर पे। ग, ग को गज से मिलाएंगे, ग से गज। दूसरी पिक्चर है क से कमल की, तो क से कमल को मैच करेंगे। और तीसरी पिक्चर है खटमल की, ख से खटमल, तो ख है सबसे नीचे, तो खटमल को ख से मैच करेंगे। और सबसे लास्ट पिक्चर है घोड़े की, घ से घोड़ा। इस वर्कशीट में आपकी लेफ्ट साइड में कुछ पिक्चर्स बनी हुई है और राइट साइड में कुछ व्यंजन। तो सबसे पहली जो पिक्चर है वो है कबूतर की, तो हम ढूंढेंगे क व्यंजन कहाँ लिखा हुआ है और उस पे हम गोला लगाएंगे। तो क है तीसरे नंबर पे, तो हम लगाएंगे क पे गोला। दूसरी पिक्चर है घड़े की, घ से घड़ा, तो हम लगाएंगे घ पे गोला। घ है सबसे लास्ट में, घ, घ से घड़ा। तीसरी पिक्चर है गर्म, ग से गर्म, ग है ये रहा, लगाया हमने घ पे गोला। अब हम आज के न्यू व्यंजन अंग का लिखित अभ्यास करेंगे। सो ओके चिल्ड्रन, दिस इज योर संस्कार स्पाइरल। ओके, ये हिंदी की स्पाइरल जिसमें अभी आप ने स्वर भी किए हैं और व्यंजन भी कर रहे हैं। इसका पेज नंबर 54 एंड 55 आपको करना है। और ये क्या लिखना है आपको, रिटर्न प्रैक्टिस किसकी करनी है, अंग की।
इसमें आपके ये जो दिए हैं इनके ऊपर पहले ट्रेसिंग करेंगे, मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल एंड अ डॉट अंग। तो ये सारा आपको कंप्लीट करना है। अब मैम आपको यहाँ बता रही है लिखना कैसे है। मेक अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन अ हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल रिवर्स, एंड इस तरह से करना है एंड मेक अ डॉट। ठीक है, अब कोई भी ऐसे नहीं बनाएगा ऐसे कि इसको कैसे भी ऐसे कर दिया, एस की तरह बना दिया और छोटा बना दिया, ये वाला रॉन्ग है। अगर आप इसके बाहर निकालते हैं ये भी रॉन्ग है। आपको प्रॉपरली इसको छोटी सी बनानी है स्टैंडिंग लाइन एंड पूरा अच्छे से घुमा के लाना है, फिर इसको रिवर्स करना है, उसको टच करके हल्का सा ऊपर ले जाना है एंड अ डॉट। ओके, और कोई भी इतनी बड़ी स्टैंडिंग लाइन बना के ऐसे करके ऐसे ये भी नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, और आपको छोटा सा स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल और हल्का सा ऊपर ले जाके एक डॉट लगाना है। और ये जो ट्रेसिंग है वो बहुत से बच्चे नहीं करके दे रहे हैं, वो भी आपको करनी है। ये क्या अंग है ना, और अंग का मैम ने अभी आपको बताया ना, इसकी पिक्चर्स नहीं होती है कोई भी, इसका यूज होता है डॉट के रूप में। जैसे गंगा, अंग, हमारी बॉडी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, अंग, तो उसमें जो डॉट लगता है उस डॉट के रूप में इसका यूज होता है। ओके ओके, नाउ आपकी ये जो बुक है इसमें आपको क से लेके अंग तक प्रैक्टिस करनी है। तो इस बुक का पेज जो है यहाँ पे आपको वापस मैम एक बार रिवाइज करवा रही है। मेक अ स्लीपिंग लाइन, अ स्टैंडिंग लाइन, अ हाफ सर्कल एंड इसको एक घुमा के टच करना है। ये क्या है, हमारा सबसे पहला व्यंजन क। दूसरा व्यंजन कौन सा होता है, ख। तो उसके लिए आपको बनानी है अगेन स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन, उसके बाद एक रिवर्स हाफ सर्कल बना के एक टर्न करना है एंड मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ हाफ सर्कल, दिस इज ख। ख के बाद क्या आता है, ग। ग से गमला, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन बना के एक गोला बना देंगे, देन अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ग। ग से गाय, ओके। उसके बाद क, ख, ग के बाद क्या आएगा, कौन सा व्यंजन है चौथा, घ। घ से घर वाला, ओके। इसके लिए हम उल्टा थ्री बना रहे हैं, अ हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल एंड अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन, ये बन गया घ। और लास्ट है अंग, क, ख, ग, घ, ड नहीं बोलेंगे, क, ख, ग, घ, अंग। तो जो हमने अभी स्पाइरल में प्रैक्टिस किया था वही हमें यहाँ भी करना है, अंग इसका और डॉट लगाना है और डेट डालनी है 1717 डॉट 8 डॉट 2020। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा नोटबुक में पूरा ये वन पेज करना है। ओके, और इस पे भी आप डेट डालोगे 1717 डॉट 8 डॉट 2020 और इस पे, दूसरे वाले पेज को पे भी, ठीक है, 1717 डॉट 8 डॉट 2020। तो आज आपको हिंदी के ये टू पेजेस अंग के और क, ख, ग, घ, अंग एक वन पेज पूरी प्रैक्टिस करके मैम को पिक्चर सेंड करनी है। ओके, बाय बाय, गुड डे।